नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तिशरीन रेवोल्यूशन के बारे में। ये रेवोल्यूशन इराक में चल रहा है पिछले 5 महीनों से। ये क्यों शुरू हुआ, क्यों कंटिन्यू हो रहा है और क्या इसके पीछे कॉजेज हैं, इन सभी को हम जानेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की अपडेट्स मिल जाएंगी। PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। स्टडी आईक्यू का पेनड्राइव कोर्स सिविल सेवा परीक्षा और साथ ही साथ स्टेट PCS कोर्सेज के लिए भी उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे IAS एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी भी शहर मेट्रो सिटी आने की या जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप स्टडी आईक्यू के सभी वीडियोस के अपडेट्स पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और इसी के साइड में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त हो जाएंगी। सबसे पहले हम मैप में इराक की लोकेशन जानेंगे। तो इराक वेस्टर्न एशिया का एक देश है। याद रखिए, मिडिल ईस्ट एक पुरानी टर्मिनोलॉजी है, मोस्टली अब इसे वेस्टर्न एशिया कहा जाता है। तो वेस्टर्न एशिया के अंदर अगर आप देखें तो ये है इराक, कैपिटल है जिसका बगदाद। इराक के ईस्ट में उसका नेबर, उसका पड़ोसी है ईरान, जिसके साथ ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज हैं। नॉर्थ में है टर्की, वेस्ट में है सीरिया और जॉर्डन, और साउथ में और वेस्ट में है सऊदी अरेबिया, और एक छोटा सा बॉर्डर यहाँ पर कुवैत के साथ भी है। यहाँ से छोटा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में इतना छोटा है नहीं। तो इराक और कुवैत का भी एक बॉर्डर रहा है और 91 का जो गल्फ वॉर था उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था इस बॉर्डर का। तो इराक की जो आबादी है वो मेनली कॉन्सेंट्रेटेड है टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियाँ जो हैं इनकी वैली में। तो ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको ज़्यादातर रोड्स नज़र आ रही हैं, ये इराक का वो हिस्सा है जहाँ पर टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी का जो एरिया है, फर्टाइल डेल्टा है, वो बनता है। यहीं पर मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स मौजूद हैं। इराक ने कई युद्ध देखे हैं अपने पिछले 70 सालों के इतिहास में। आप इसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मेरा इराक वॉर्स पर एक स्पेशल वीडियो है, उसे आप देख सकते हैं, सर्च करके स्टडी आईक्यू के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इराक में कई लोग हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पिछले 5 महीनों से सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई बार ये प्रोटेस्ट पीसफुल हैं, कई बार ये प्रोटेस्ट हिंसक भी हुए हैं। तो इस प्रोटेस्ट के पीछे आके रीज़न क्या है? अगर आप इस प्रोटेस्ट के फोटोज़ देखेंगे तो आपको इसमें मोस्टली जवान लोग ही नज़र आएंगे। इट वॉज स्टार्टेड बाय द यंग पीपल ऑफ इराक। इराक के जो नौजवान हैं, जो मोस्टली अनएम्प्लॉयड हैं बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू किया था। तो इस रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है तिशरीन, क्योंकि अरबी भाषा में तिशरीन अक्टूबर को कहते हैं। अक्टूबर का जो महीना है उसे तिशरीन कहा जाता है, और इस रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर को। तो हुआ ये था कि सितंबर में वहाँ के अनएम्प्लॉयड जो डिग्रीधारी है लोग हैं, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, सरकार से डिमांड करी कि हमें नौकरियाँ दी जाए, लेकिन सरकार ने उनकी सुनी नहीं। तो एक कैंपेन चलाया गया सोशल मीडिया पर कि 1 अक्टूबर को मिलकर एक प्रोटेस्ट करेंगे बड़े स्केल पर। तो इस प्रोटेस्ट में इराक के कई लोग शामिल हुए इनके साथ, एंड मोस्टली जवान थे, लेकिन साथ साथ धीरे धीरे अन्य लोग भी जुड़ते गए जो पॉलिटिकल सिस्टम से नाराज थे या फिर अन्य वजहों से नाराज थे, जैसे पानी या बिजली के नहीं आने से। तो 1 अक्टूबर 2019 को ये प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, और क्योंकि अक्टूबर में शुरू हुए तो इनका नाम पड़ गया तिशरीन रेवोल्यूशन। कुछ लोग इसे अरब स्प्रिंग 2.0 भी बोल रहे हैं, तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं, अरब स्प्रिंग 2.0, क्योंकि कई अरब देशों में फिर से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जैसा 2011 में हुआ था, तो 2019 में भी अल्जीरिया, इराक, ईरान, ट्यूनीशिया, कई देशों में प्रोटेस्ट हुए हैं। लेबनान में सरकारें चेंज हुई है, कई देशों में सरकारें भी चेंज हुई। तो इन देशों में अरब स्प्रिंग 2.0 कहा जा रहा है इसे। तो ये प्रोटेस्ट शुरू तो हुए थे बगदाद से, लेकिन ये दूसरे प्रोविंसेस में भी फैल गए, व्यापक तौर पर पूरे देश में फैल गए, खास करके दक्षिण और पूर्वी प्रांतों में। इन प्रोटेस्ट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न था भ्रष्टाचार। सरकार काफ़ी भ्रष्ट मानी जाती है इराक की। जो भी करप्शन इंडाइसेस आते हैं उनमें आप देखेंगे कि इराक लगभग हमेशा पीछे से टॉप 10 में होता है। तो इराक के इस 16 साल से चले आ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग सड़कों पर थे। अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स नहीं थी पढ़े लिखे लोगों के लिए भी। इनएफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज, पानी, बिजली, ये सभी फैसिलिटीज़ इराक में बहुत कम जगहों पर उपलब्ध हैं। इवन बगदाद कैपिटल सिटी में भी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है। एक सपना है वहाँ के लोगों के लिए कि 24 घंटे बिजली मिले। तो ऐसे में कई लोग सड़कों पर हैं ये कहते हुए, ये पूछते हुए सरकार से कि इतना ऑयल रेवेन्यू आ रहा है लेकिन वो सब जा कहाँ रहा है। इराक में ऑयल रेवेन्यू बहुत ही अच्छा है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू UAE। तो जितना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ऑयल रेवेन्यू है उतना का उतना इराक में भी है, लेकिन जितना UAE डेवलप्ड है इराक उसका 20% भी नहीं होगा। तो ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, ये सवाल पूछते हुए लोग सड़कों पर उतरे। एक बहुत बड़ा रीज़न था ईरान। ईरान इराक में इंटरवीन कर रहा है पिछले
कई सालों से, जब से यूएसए ने इराक से एक तरह से पुल आउट किया है, टैक्टिकल पुल आउट 2011 के बाद से यूएसए ने अपना प्रेजेंस वहां पर कम किया है, तब से ईरान ने अपना प्रेजेंस इराक में बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान की जो फोर्सेस हैं, ईरान के मिलिशियाज हैं, ईरान के द्वारा सपोर्ट किए जाते हुए मिलिशियाज इराक में अपना काफ़ी बोलबाला रखते हैं। तो वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ईरान अपना इंटरवेंशन खत्म करे, ईरान यहाँ की पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना बंद करे और हमारे प्रधानमंत्री या फिर हमारे जो मंत्री हैं उन पर अपना इन्फ्लुएंस पूरी तरह से खत्म करे। ऐसा माना जाता था कि जो पिछली इराकी गवर्नमेंट थी उसके 8 मंत्री तो कम्प्लीटली ईरान की गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों पर काम करते थे, एक तरह से ईरान की कठपुतली थे। और ईरान हमेशा यही चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर जो भी बने इराक का, दैट पर्सन शुड बी इन फेवर ऑफ ईरान। तो जहां इस प्रोटेस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी भ्रष्टाचार और अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ, धीरे धीरे ये पॉलिटिकल होता गया और लोगों की डिमांड हो गई कि पॉलिटिकल सिस्टम पूरा खत्म होना चाहिए। पिछले 16 सालों से, जब से अमेरिका ने इराक पर हमला किया है, सद्दाम हुसैन की सरकार गिराई थी, तब से जो पॉलिटिकल सिस्टम एस्टैब्लिश्ड है उसे खत्म किया जाए, क्योंकि ये सिस्टम सेक्टेरियन डिवाइड पर काम करता है। इराक में पिछले 16 सालों से एक पॉलिटिकल सिस्टम चला आ रहा है जहां पर शिया, सुन्नी और कुर्द तीनों पॉलिटिकल पावर को शेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट ये व्यवस्था इतनी डीपली एंट्रेंच्ड हो चुकी है कि जो गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स हैं, वो भी इसी बेसिस पर होने लगे थे कि कौन शिया है, कौन सुन्नी है, किसे फेवर करना है, किसे नहीं करना है। ये जो सिस्टम है इसे मुहस्ससा कहा जाता है, आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, लेकिन ये जो सिस्टम है ये बेसिकली सेक्टेरियन या एथनिक लाइंस पर अपॉइंटमेंट करता है, ना कि मेरिट के बेसिस पर। तो इराक के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं, उनका कहना है कि ऐसे अपॉइंटमेंट नहीं होने चाहिए, आप मेरिट देखिए, आप ये मत देखिए कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। तो अगर आप कहीं पर पढ़ते हैं कि ये वाले जो लेटेस्ट प्रोटेस्ट हैं दे आर गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ शिया एंड सुन्नी, देन इट इज़ रॉन्ग। हालांकि इराक में शिया और सुन्नीस के बीच में हिस्टोरिकली बहुत से प्रॉब्लम्स रहे हैं, इनफैक्ट आइसिस के समय 2014 टू 2016 वाले समय में भी बहुत सारे सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स थे, लेकिन ये वाला जो तिशरीन रेवोल्यूशन है दिस इज़ नॉट ड्यू टू सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट। वैसे इराक में सदर्न एरिया जो है इट इज़ शिया डोमिनेटेड, यहाँ पर शिया मेजॉरिटी है, और जो वेस्टर्न और नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं ये सुन्नी डोमिनेटेड हैं। इराक की डेमोग्राफी अगर आप देखें, लगभग 4 करोड़ की आबादी है जिसमें से शिया है 65% के आसपास और सुन्नी है 30% के आसपास। अब सद्दाम हुसैन जो है ही वॉज अ सुन्नी, तो 30% माइनॉरिटी होने के बावजूद सद्दाम हुसैन इराक को बहुत लंबे समय तक रूल करता रहा विथ हिज सुन्नी बैक्ड पार्टी, बाथ पार्टी। लेकिन सद्दाम हुसैन के जाने के बाद मेनली जो डोमिनेशन रहा है गवर्नमेंट में, दैट हैज़ बिन ऑफ शियाज। तो 2013-14 में सुन्नी सड़कों पर थे अगेंस्ट द शिया डोमिनेटेड गवर्नमेंट, लेकिन इस वक्त ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसमें शिया भी सड़कों पर हैं, सुन्नी भी सड़कों पर हैं। सदर्न प्रोविंसेस जो हैं यहाँ पर शिया डोमिनेटेड एरियाज हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट यहीं पर हो रहे हैं, साउथ में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये शिया या सुन्नी के बीच की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है अगेंस्ट अ करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम, अगेंस्ट द इंटरवेंशन ऑफ ईरान। तो इस तरह के प्रोटेस्ट सीन्स देखने को मिले बगदाद में, कई महीनों से ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत में ये प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट थे, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस का क्रैकडाउन, मिलिशियाज का क्रैकडाउन इन पर होना शुरू हुआ तो ये प्रोटेस्ट भी वायलेंट हो गए। तो इनका नेचर ऐसा था कि जैसे देखिए दिन में जो प्रोटेस्ट होते थे जिसमें आम जनता शामिल होती थी, सभी शामिल होते थे, वो तो पीसफुली हो गए, लेकिन रात को जो नौजवान लोग हैं वो निकलते थे हिंसक प्रदर्शनों के लिए। तो कई पब्लिक ऑफिसेज पर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज पर बम फेंके गए, मोलोटोव कॉकटेल्स फेंके गए, इस तरह की हरकतें रात को होती थी। लेकिन इनके खिलाफ आर्मी और मिलिशियास ने एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया। तो इस हिंसा में अभी तक 5 महीनों में 600 से ज़्यादा इराकी सिविलियंस मारे जा चुके हैं। वायलेंस हैज़ बीन यूज्ड एज अ टूल टू रिप्रेस पीसफुल प्रोटेस्टर्स। तो शुरू में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन जब पुलिस ने इन पर हिंसा का इस्तेमाल करना शुरू किया और मिलिशियाज इन्वॉल्व कर दिए, ईरान एक्चुअली ये प्रोटेस्ट नहीं चाहता है, तो ईरान के द्वारा बैक्ड जो मिलिशियाज हैं जिनमें सबसे बड़ा किताब हिजबुल्ला है जो पिछले महीने जनरल सुलेमानी वाली स्ट्राइक के समय भी न्यूज़ में था, इन मिलिशियाज का इस्तेमाल ईरान ने करना शुरू कर दिया अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। तो मुंह पे कपड़ा बांधे हुए और बिना किसी मिलिट्री यूनिफॉर्म के ये मिलिशियाज आते हैं और इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ हिंसा का उपयोग करते हैं। लाइव बुलेट्स को इन पर फायर किया गया। इनफैक्ट जब प्रोटेस्ट होते हैं तो बगदाद के रूफटॉप्स पर स्नाइपर्स भी बिठाए गए कई बार, और स्नाइपर्स से डायरेक्टली प्रोटेस्टर्स को गोलियों से मारा गया। कई जगहों पर प्रोटेस्टर्स ने सरकारी ऑफिसेज, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिसेज को डैमेज किया, उन्हें आग लगा दी, रिवेंज किलिंग्स हुई। अगर पुलिस के ऑफिसर्स प्रोटेस्टर्स पर हमला करते थे तो रात को पुलिस ऑफिसर्स के घरों पर हमला किया गया, इस तरह के वाक्य भी देखे गए हैं।
लेकिन कई प्रोटेस्टर्स को असैसिनेट किया गया है। इनफैक्ट खास करके जो रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे जो ट्विटर पर रिपोर्ट करते हैं इन इवेंट्स के बारे में, या फिर जो लोकल टीवी रिपोर्टर्स थे, उनकी भी हत्या कर दी गई मिलिशियास के द्वारा, बिकॉज दे वेर शोकेसिंग दीज प्रोटेस्ट। तो जो प्रोटेस्ट को टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा दिखा रहा था, उनको चुन चुन कर मारा गया मिलिशियास के द्वारा। और ये मिलिशियास किसके द्वारा सपोर्टेड है? ईरान के द्वारा। अगेन, जो प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद है पूरी इराक की, उसे भी कौन बैकिंग देता है? ईरान। तो ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये कंटिन्यूअसली हिंसक होते जा रहे हैं, क्योंकि जो फोर्सेस का और मिलिशियास का रिस्पांस है वो भी हिंसा के द्वारा था। तो ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई, ये साइक्लिक सिचुएशन है कि पहले पुलिस की या मिलिशियास की हिंसा, फिर प्रोटेस्टर्स की हिंसा, फिर वापस उन पर क्रैकडाउन। तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली पिछले 4 महीनों से चलता आ रहा है। तो इस तरह के सीन बगदाद में काफ़ी देखे जा रहे हैं पिछले 5 महीनों से। कंटिन्यूअसली पुलिस फायर कर रही है, कभी आंसू गैस, कभी लाइव बुलेट्स। और इनफैक्ट आप जानकर हैरान होंगे कि ईरान के खिलाफ गुस्सा इतना ज़्यादा था कि 28 नवंबर की रात को ईरान का जो कॉन्सुलेट है नजफ शहर में, उसे आग लगा दी गई थी। तो आपको पता होगा कि 1 जनवरी को US एम्बेसी पर भी हमला हुआ था बगदाद में, लेकिन वो हमला अलग रीजंस के कारण हुआ था। उससे 1 महीने पहले इराक के प्रोटेस्टर्स ने ईरान की कॉन्सुलेट को जला दिया था। इस बढ़ते गुस्से और हिंसा को देखते हुए इराक के प्राइम मिनिस्टर अदल अब्दुल महदी ने 29 नवंबर को रिज़ाइन कर दिया। जब ये कॉन्सुलेट जलाई गई थी, उसके अगले ही दिन महदी ने रिज़ाइन कर दिया और कहा कि लोगों का गुस्सा है सरकार के खिलाफ, तो मैं रिज़ाइन करता हूँ। लेकिन लोगों ने कहा कि हमारा गुस्सा किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, आप जाओगे आपकी जगह कल कोई दूसरा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो भी इसी सिस्टम में इसी करप्शन के साथ काम करता रहेगा, तो हमें आपके अकेले के इस्तीफे देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वी वॉन्ट टू चेंज दी एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम। तो ऐसा नहीं है कि मेहदी के इस्तीफे देने के बाद प्रोटेस्टर्स शांत बैठ गए, पूरे दिसंबर में प्रोटेस्ट चलते रहे। इसी बीच दिसंबर एंड और जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। सबसे पहले ईरान के द्वारा सपोर्टेड मिलिशियास किताब हिजबुल्ला के ऊपर हमला किया, USA ने एयर स्ट्राइक करी। उसके बदले में इन मिलिशियाज ने बगदाद स्थित अमेरिकी एम्बेसी पर हमला करने की कोशिश करी। उसके अगले ही दिन जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स ऑफ ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड्स। तो ईरान ने इस घटना का इस्तेमाल करने की कोशिश करी इस गुस्से को US की तरफ पलटने के लिए। ईरान प्रोटेस्टर्स को कह रहा है कि आप हमारे खिलाफ क्यों गुस्सा हो, हम तो हिस्टोरिकली ब्रदर्स रहे हैं, हमें एक साथ एकजुट रहना चाहिए अमेरिका के खिलाफ। लेकिन प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, हमें ईरान भी नहीं चाहिए, हमें USA भी नहीं चाहिए, हमें हमारे देश में हमारी सरकार चाहिए, कोई बाहरी ताकत का इन्फ्लुएंस यहां पर नहीं होना चाहिए। तो अब जो नारेबाजी है जनवरी के बाद से वो चेंज हो गई है, नारे अब केवल ईरान के खिलाफ ही नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी लगने शुरू हो गए हैं। प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं कि वी डोंट वांट ईरान, वी डोंट वांट USA, क्योंकि धीरे धीरे इराक क्या बनता जा रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच की फाइट का प्लेग्राउंड। तो इराक की जनता ये बिल्कुल नहीं चाहती कि हम ईरान और USA के बीच में एक कोलैटरल डैमेज की तरह बनकर उभरें, हमारे यहां पर ये लड़ाई छिड़े। 1 फरवरी को एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, मोहम्मद अलावी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है वहां के प्रेसिडेंट ने। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने अलावी को भी रिजेक्ट कर दिया। रीजन कि मोहम्मद अलावी भी इसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है, ही हैज बीन द कम्युनिकेशंस मिनिस्टर, ये मंत्री रह चुके हैं पहले भी, 2-3 साल तक मंत्री रहे हैं। हालांकि इनकी छवि एंटी करप्शन की है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्टर्स को ये मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति भी उसी पुराने पॉलिटिकल सिस्टम से आता है, तो हमें तो पूरा सिस्टम बदलना है, हमें नए प्राइम मिनिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी ये है कि 1 फरवरी को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। प्राइम मिनिस्टर अलावी ने वचन दिया है लोगों को कि मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं कुछ नया करके दिखाऊंगा, बट प्रोटेस्टर्स अभी भी खुश नहीं है। एज ऑफ टुडे, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 13 फरवरी 2020 को, आज भी प्रोटेस्ट चालू हैं और कंटिन्यूइंग है। आई होप आपको ये लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।